हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं, बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। आज का विषय है DLED सेट 4। इससे पूर्व मैंने 3 सेट बना दिया है और वो आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। मेरा YouTube चैनल का नाम है पंकज प्रतियोगिता, एक बार सर्च करके जरूर देखें। चलते हैं, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्य क्रियाएं कितनी होती है? जी हाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्य क्रियाएं कितनी होती है? जी हाँ, 1, 2, 3 या 4, इन चारों में कौन आंसर है बताइए। इसका आंसर 4 है, 4 नंबर का आंसर 4। ठीक है, आगे सतत व्यापक मूल्यांकन क्रियाएं कितनी है? 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, यह कथन किसका है? यहाँ पहला ली का, दूसरा ग्रीन का, तीसरा क्रॉनबेक का, चौथा क्विलिन एवं हन का। यहाँ क्विलिन एवं हन का, बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? जी हाँ, इसका आंसर 3 है, क्रॉनबेक का। ठीक है, आगे तीसरा नंबर, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है, यह कथन किसका है? यहाँ ये इसमें जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर मनोविज्ञान के सिद्धांतकार ही हैं। ठीक है, बताइए। प्रथम डायनाइक महोदय, थर्नाइट महोदय, दूसरा हॉरलॉक महोदय, तीसरा फ्रोबेल महोदय, चौथा जॉन महोदय। जी बताइए इसका आंसर 2 है, हॉलॉक का है। ठीक है, हॉलॉक महोदय जी हैं। ठीक है, आगे चौथा नंबर, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, इन चारों में कौन है? स्किनर महोदय हैं, किंग एवं थर्नडाइक महोदय हैं, या नन महोदय हैं, या आर्स्टूल हैं, बताइए इन चारों में कौन है? इसका आंसर 2 है, किंग एवं थर्नडाइक महोदय जी हैं। ठीक है, पांचवा नंबर, निम्नलिखित में अधिक तनाव का काल कौन सा काल है? है ना, कौन सा है मतलब इस चारों अवस्था में कौन सा काल जो है तनाव, है ना, तनाव का काल है, तनावग्रस्त होता है, बताइए। पहला है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था, बताइए इनमें चारों में कौन है? किशोरावस्था में तनाव का काल होता है, तनाव किशोरावस्था तनाव का काल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा नंबर, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित में से निम्नलिखित किन बच्चों के लिए है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जानते होंगे, जो शिक्षा की तैयारी करते हैं वो इस बच्चों के बारे में जरूर जानते हैं। इस बारे में यहाँ बताइए, 1, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जिसे पहला से 8वां तक का बच्चे को है ना, 10वां तक के, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, एक है इसका आंसर। ठीक है, 7वां नंबर, यह कथन किसका है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है? इन चारों में से कौन है, चलो बताइए। ड्रेवर का, शेफर का, हेडफील्ड का, या लेडेक्स का? यहाँ इसका आंसर है 1, ड्रेवर का। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां नंबर,
किस वैज्ञानिक के अनुसार चरित्र निर्माण करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? यहाँ बताइए, स्किनर महोदय का, अरस्तु का, नन का या प्लेटो का, इन चारों में से कौन है बताइए? स्किनर का, अरस्तु का, नन का या प्लेटो का? जी हाँ, चरित्र निर्माण करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य का जो दिया है सिद्धांत इन्होंने, ये प्लेटो महोदय ने दिया है। ठीक है, आगे नवा नंबर, सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया है जी बताइए? सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, यह बताइए? कोहलर महोदय ने, वाइगोस्की ने या पियाजे जी ने या वाटसन ने, चारों में कौन? इसका आंसर दो है, वाइगोस्की महोदय जी ने दिया था। ठीक है, आगे दसवां नंबर, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? हाँ, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जी हाँ बताइए, जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से, जीन पियाजे से, ये दो दो दिया गया। ठीक है, एक वाटसन से, बताइए। जी हाँ, इसका आंसर एक और तीन है, जीन पियाजे और जीन पियाजे, इसमें दोनों आ गए, दो दो बार रखा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं आगे, झूम का सिद्धांत किसने दिया था? झूम का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने, थंडाइक महोदय ने, गुड ने या कोहलर ने, यह बताइए? जीन पियाजे ने, थंडाइक ने या गुड ने या कोहलर ने, जी बताइए? इसका आंसर चार है, कोहलर ने। ठीक है, आगे, कोहलर ने निम्नलिखित में से किस पर अपने सीखने की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जी कोहलर महोदय ने, देखिए, चूहा पर, वन मानुष पर, कुत्ता पर, बिल्ली पर, इन चारों में से किस पर किए थे कोहलर महोदय ने? जी हाँ, वन मानुष पर किए थे, वन मानुष का नाम सुल्तान था। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किनके अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुण हैं? ये बस रिपीट कर देता हूँ, निम्न में से किनके अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुण हैं? ठीक है, बताइए। इसमें रुथ बेंटिंग के, रॉस ने दो, तीसरा नन ने, चौथा फ्रोबल ने, जी हाँ, किसने किया था, किनके अनुसार है बताइए? रुथ बेंटिक्ट के द्वारा हुआ था। ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। आगे 14 नंबर, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, बताइए। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? यहाँ स्पीयरमैन, मेरिल, टर्मन या थंडाइक महोदय जी, बताइए। इसका आंसर चार है, थंडाइक महोदय जी ने किया था। ठीक है, आगे, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। जी हाँ, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, किसका कथन है बताइए? रायबन का, वारेन का, यूंग का या फ्रॉयड का, जी हाँ बताइए। एक रायबन का, दो वारेन का, तीसरा यूंग का, चौथा फ्रॉयड का, जी बताइए। इसका आंसर एक है, रायबन का। ठीक है, आगे चलते हैं, 16 नंबर, निम्न में से खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ हैं, ये नाम है चारों, बताइए। किंडरगार्टन पद्धति के द्वारा, डाल्टन पद्धति के द्वारा, मॉन्टेसरी पद्धति के द्वारा, ये बताइए, या उपयुक्त सभी? जी हाँ, इसका आंसर चार है, उपयुक्त सभी। ऐसे ज़्यादातर इसमें प्रश्न आता है मॉन्टेसरी के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, 17, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किस रूप में किया जाता है? जी हाँ, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किस रूप में किया जाता है? आंकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता मूल्यांकन में, ये बताइए कौन सा ऐसा सही है?
जी हाँ, बच्चों को जब हम प्रारंभिक शिक्षा देते हैं पहला से ऊपर में है ऊपर की ओर, तो हमें भी निर्देश मिलता है मूल्यांकन के पहला दूसरा का परीक्षा नहीं लेने को, मौखिक परीक्षा लेने के लिए। यहाँ तो वही है मौखिक मूल्यांकन, आंसर 3 है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञात्मक पक्ष से होता है? यहाँ किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञात्मक पक्ष से होता है? जी हाँ, मूल्यों का, आदतों का, समाज का या आदर्शों का, ये बताइए किसका? समझ का, उत्तर 3 है। यह मूल्यांकन जब भी करते हैं हम संज्ञात्मक का, उसके समझ कितना समझा है इसके बारे में जानना चाहते हैं। 19 नंबर, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से या सहायक सामग्री से? जी हाँ, हम लोग स्कूल में करते हैं सब, समूह कार्य भी करते हैं, वाद विवाद भी होता है, यानी प्रश्नोत्तर क्यूज है ना, और उसके बाद सहायक सामग्री जैसे TLM देते हैं। तो इनमें से कौन सा है? ये तो सभी कोई जानते होंगे, शिक्षक होंगे या जो तैयार करते हो जानते होंगे, सहयोग की भावना का भी विकास संभव होता है ना, कैसे होता है बताइए? इसका एक है समूह कार्य, समूह में जो भी काम देते हैं वो विकासात्मक संभव होता है। ठीक है, आगे 20 नंबर, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है किसके द्वारा बताइए? कहानी के द्वारा, समूह के द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा या व्याख्यान द्वारा? जी हाँ बताइए, जी हाँ, बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास, जी हाँ, बच्चों में कल्पना शक्ति का विचार, जी हाँ, इसका आंसर एक है कहानी द्वारा। जो हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं उसको अपने आप को अभिनय अपनाने लगते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ही उसका नायक हूँ। ठीक है, आगे तो 21 नंबर, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? छात्रों का पूर्व ज्ञान यानी पहले का ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल या व्याख्यान कौशल? यहाँ बताइए, एक प्रस्तावना कौशल। ठीक है, आगे आंसर एक है, चलते हैं 22 नंबर, व्यवहारवाद के जनक कौन है? ड्यूवी महोदय, यंग महोदय, वारन महोदय, वाटसन महोदय? यहाँ एक ड्यूवी महोदय, दो यंग महोदय, तीसरा वारन महोदय, चौथा वाटसन महोदय, जी बताइए। इसका आंसर 4 है, वाटसन महोदय। ठीक है, 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? पाठ्यक्रम, समाज, समुदाय, राज? जी हाँ बताइए, पहला पाठ्यक्रम, दूसरा समाज, तीसरा समुदाय, चौथा राज। जी हाँ बताइए, इन चारों में कौन सही है? समाज, जी हाँ, नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है समाज। चलते हैं 24 नंबर, अगर यहाँ तक बने हैं देख लाइक तो जरूर बनता है मित्रों, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और लाइक कंजूसी ना कीजिए, अगर लाइक करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है, और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, पसंद आए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है, ये बताइए? विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, तीसरा समावेशी शिक्षा। हमारा आज का जो है पहला से 11 तक जो है समावेशी शिक्षा चलता है। आगे 25 नंबर और आखिरी नंबर, और लाइक नहीं किया है तो मित्रों लाइक जरूर कर दें, ठीक है, आगे चलते हैं, कंजूसी ना करें, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को क्या कहते हैं? बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता, दो परिपक्वता, तीसरा वातावरण, चौथा आत्मसात। जी हाँ, इन चारों में कौन सा सही है? इसका आंसर एक है, आनुवांशिकता मिलता है। ठीक है, और यहाँ तक बने लगे, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये विषय समाप्त होता है।